भौतिक राशियाँ, ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, और इसको क्लासिफाइड भी किया गया है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती है, ठीक, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जब उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, परिभाषित भी करेंगे और उसको हम मापेंगे भी। जैसे हम अगर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो फोर्स को हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं या किसी भी चीज़ को हम पुल करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें फोर्स लगता है। कितना फोर्स लग रहा है तो उसको मेजर भी करना आना चाहिए। जब किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा को हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और उसको माप भी सकते हैं कि किसी भी तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल भौतिक राशियाँ क्या होती है, ऐसी राशियाँ जिनको हम परिभाषित कर सके और प्लस माप सके, दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको हम परिभाषित कर पा रहे लेकिन माप नहीं पा रहे तो भौतिक राशियों में नहीं होगा। अगर उसको माप पा रहे लेकिन उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे तो भी भौतिक राशियों में नहीं होगा। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको हम परिभाषित कर सके और साथ ही साथ उसको हम माप भी सके तो उसको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लंबाई हो गया, लंबाई को हम माप सकते हैं, उसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं, ठीक ना। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, धारा हो गया, बल हो गया, ये सारे क्या है, भौतिक राशियाँ। अरे बस समझे, ठीक ना। या जैसे जैसे कभी कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, लेकिन हम उसको मेज़र नहीं कर बता थोड़ी सकते कि उसको इतना प्यास लगी है, इसको इतना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो क्या उस थकान को मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो भौतिक राशियों में नहीं काउंट होता है। जैसे कहते हैं कि मम्मी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन कितना करती है वो हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं दो दोस्तों के बीच बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, क्या उस दुश्मनी को मेज़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। अरे वो समझे, तो भौतिक राशियाँ वही होंगी जिनको हम परिभाषित भी कर सकते हैं और एज वेल एज उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब बात आई कि भौतिक राशि तो बहुत सारे हैं, एक दो पाँच दस तो नहीं है, हजारों में हैं, तो इनकी स्टडी कैसे करेंगे हम, ठीक ना। तो उसके लिए साइंटिस्टों की बैठक हुई, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम भौतिक राशियों को क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं ताकि इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में जानना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो उन्होंने क्या करा कि पहले एक बार बैठक हुई और उन्होंने कहा कि भौतिक राशियों को क्लासिफाइड करते हैं, और उन्होंने बहुत उसमें स्टडी किया, बहुत सारी चीज़ें देखा, देख के उन्होंने फिर ये बताया कि जो भौतिक राशि हैं इनको हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, एक मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये क्या होते हैं, मूल भौतिक राशि क्या होता है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है, ठीक ना। तो साइंटिस्ट जब क्लासिफाइड करने लगे कि राशियों को उनके आधार पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ ऐसी राशियां हैं जो कभी भी किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करती है। जैसे अगर बात करें हम किसकी, द्रव्यमान की, अगर बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का द्रव्यमान अगर 10 ग्राम है तो ये रुद्रपुर में भी 10 ग्राम है, अगर मैं इसको दिल्ली ले जाऊंगा वहाँ पे भी इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा, ठीक ना। अभी 10 ग्राम है तो यहाँ से 100 साल बाद भी 10 ग्राम ही रहेगा। अरे बस समझे, इसका टेम्परेचर अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ तो भी इसका द्रव्यमान 50 ग्राम ही रहेगा, इसके द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब द्रव्यमान ना तो ताप पे निर्भर करता है, ना समय पे निर्भर करता है, ना ही स्थान पे निर्भर करता है, किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए द्रव्यमान एक हमारा क्या हो सकता है, मूल भौतिक राशि हो सकता है, ठीक ना। तो मूल भौतिक राशि क्या होते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ऐसी राशियों को कहते हैं हम मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि जो है ये सात मूल भौतिक राशि होते हैं,
सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में एक तो है हमारे पास लंबाई, ठीक, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है ताप, समय, विद्युत धारा, ठीक, सिक्स ज्योति तीव्रता, और सेवन है हमारा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक ना। सेवन फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, सात मूल भौतिक राशियां है। ये सात मूल भौतिक राशियां कभी भी किसी भी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। लंबाई हो गया, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान हो गया, वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। ताप है, ताप भी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, करेगा क्या, नहीं करता है, ठीक ना। जैसे पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल, कहते ना मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अवोगाद्रो नंबर 6.023 × 10³ करेगी, एक मोल में इतने एटम होते ही होते हैं, चाहे तुम कार्बन का ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, किसी का भी ले लो, इतने एटम ही होंगे। अगर तुम पदार्थ को चेंज करोगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, मतलब वो क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करते हैं। आइए बस समझे, इसमें एक विरोधाभास आता है विद्युत धारा के साथ। इसके साथ विरोधाभास आता है विद्युत धारा, क्योंकि हमने बचपन से ये पढ़ा है, विद्युत धारा को अगर डिफाइन किया है हमने तो क्या पढ़ा है, विद्युत धारा की डेफिनेशन, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कहते ना, कहते हैं, क्योंकि आवेश कहीं फ्लो होता है तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि विद्युत धारा तो आवेश पर निर्भर कर रहा है, कर भी रहा है, क्योंकि अगर वायर में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तो विद्युत धारा कहाँ से बनेगा, बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। तो विद्युत धारा किस पर डिपेंड कर रहा है, आवेश पर निर्भर कर रहा है, और आवेश स्वतंत्र होता है, आवेश किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वो क्या किसी चीज़ पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा, वो कांस्टेंट है, वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो आवेश हमारा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र राशि होनी चाहिए, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में मानना, मतलब इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन उसके अलावा हमने किसको इंक्लूड करा है, विद्युत धारा को इंक्लूड किया है। तो इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों लिया गया होगा विद्युत धारा को मूल भौतिक राशियों में। यहाँ पे आवेश को लेना चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसमें जो बेसिक जो चीज़ है वो आवेश के बारे में हमने स्टडी करा है। पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो आवेश पे डिपेंड है। तो आवेश फंडामेंटल क्वांटिटीज होना चाहिए था आवेश उसकी विद्युत धारा की जगह, लेकिन यहाँ पे एक विरोधाभास आता है कि आवेश को हम इंडिपेंडेंटली मेज़र नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मान लो एक तार है, इस तार में मैं कहता हूँ कि इस तार में 2 एम्पेयर का करंट प्रवाहित हो रहा है, 2 एम्पेयर का करंट प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हें बताना है कि इसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, क्योंकि आवेश प्रवाह हो रहा होगा तभी तो धारा बनना है, तो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा, क्या बता सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन उसके लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, धारा पे, क्योंकि वहाँ पे अगर हमें इसमें आवेश निकालना है Q इज टू, तो हमें करना पड़ेगा I × T कि 2 एम्पेयर धारा जो है कितने समय तक प्रवाहित हुआ। तो उस कंडीशन में हम आवेश को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, मतलब हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस हमने बना ही नहीं पाया जिसकी वजह से हम आवेश को कैलकुलेट कर पाए, लेकिन हम इंडिपेंडेंटली हम धारा को मेज़र कर सकते हैं, मेज़र करते भी हैं। किसी भी वायर में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके साथ क्या जोड़ दो, एक अमीटर जोड़ दो, अमीटर बता देगा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन आवेश के लिए ऐसा हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आवेश को मापने के लिए कहीं ना कहीं हमें किस पे निर्भर रहना पड़ रहा है, धारा पे निर्भर रहना पड़ रहा है। अरे बस समझे, तो इसीलिए हमने ये माना है कि विद्युत
धारा जो है वो आवेश पे निर्भर ना होके आवेश विद्युत धारा पर निर्भर है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि विद्युत धारा को एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में रखा है। अरे बस समझे, क्लियर है? तो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारे किस में आ जाएंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि में। क्लियर है? तो अगर मूल भौतिक राशि को अगर डिफाइन करना हो, परिभाषा लिखना हो, तो क्या लिखेंगे कि वह भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हो तथा स्वतंत्र रूप से उसको हम माप सके। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि मतलब ऐसी भौतिक राशि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल भौतिक राशियों पर निर्भर हो। ठीक, जैसे अगर बात करते हैं हम किसकी? बल की। F बराबर क्या होता है? एम ए। मतलब अगर फोर्स को अगर मेजर करना है, बल को मेजर करना है, तो हमें निर्भर रहना पड़ेगा द्रव्यमान पर। ठीक है ना? अगर हमें वेग निकालना है तो वेग बी जीरो का जाएगा डी अपॉन टी, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन क्या होता है? दूरी होता है एक जैसा, या लंबाई कह सकते हैं। ठीक है ना? तो वेग को मापने के लिए हमें दूरी और समय पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ठीक है ना? जो कि हमारा क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। अरे वो समझे? ठीक है ना? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि ऐसी भौतिक राशि होती है जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है। अरे बस समझे? ठीक ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़ के जितने भी भौतिक राशियाँ हैं वो सारे व्युत्पन्न भौतिक राशियों में आता है। ठीक ना? अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट जब मीटिंग हुई, सारे साइंटिस्टों की IUPAC की मीटिंग हुई। ठीक है ना? तो वहाँ पे इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भौतिक राशियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक ना? तो फिर बाद में दोबारा जब उनकी बैठक हुई तो उन्होंने उनमें एक चर्चा हुई, ये मीटिंग में ये बात उठी कि हमने एक चीज़ को तो हमने छोड़ दिया। किसको? कोण को और घन कोण को। अगर बात करते हैं हम किसकी? कोण और घन कोण की बात करते हैं। ठीक ना? तो ये भी तो इंडिपेंडेंट है, ये भी तो इंडिपेंडेंट है। क्या कोण किसी चीज पर निर्भर करता है? दो कोण का मतलब क्या होता है? दो लाइन के बीच का झुकाव। तो इस लाइन की लेंथ को कितना भी कर लो, कितना भी छोटा कर लो, कितना भी बड़ा कर लो, क्या ये एंगल चेंज होगा? नहीं होगा। क्या समय के साथ ये चेंज होगा? नहीं होगा। इस लाइन की मोटाई पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा ये। तो ये भी तो स्वतंत्र है, कोण भी तो स्वतंत्र है, तो कोण भी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हम ले सकते थे। ठीक ना? वैसे ही घनकोण होता है, घनकोण का मतलब समझ में आता है? घनकोण क्या होता है? हैं? जैसे कोण कुल्फी खाते हो, कोण होता है कोण, शंकु जो होता है शंकु इस तरीके का। ठीक, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? एक सर्कुलर पार्ट होता है। तो उस पार्ट को देखोगे तो नीचे एक आके किसी एक बिंदु पर मिल जाता है। तो जब ये वाला ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल द्वारा उसी केंद्र पर अगर कोई कोण बनता है, उस कोण को कहते हैं हम घन कोण। जैसे यहाँ पे कोण बनेगा 3D में, ये तो 2D में तुम्हें उतना विजुअलाइज नहीं होगा, लेकिन 3D में अगर देखोगे कोण को इमेजिन करो जब कोण खाते हो। ठीक ना? तो वहाँ पे ऊपर वाला पार्ट सर्कुलर होता है, उसका एरिया होता है, उस एरिया के द्वारा उसके सेंटर पे एक कोण बनता है सॉलिड में। ठीक ना? उसको हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। ये भी किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। इस एरिया को तुम यहाँ पे रखो, छोटा एरिया होगा, दूर ले जाओगे बड़ा होगा, नीचे ले आओगे एरिया छोटा होगा, लेकिन कोण उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो बड़ी हो जाए तो क्या हुआ? अगर बड़ी होगी तो केंद्र पे आके उतना ही तो मिलेगा। वो ऐसे जा रहा है ना, देख यहाँ से कोण बन रहा है, ये ऐसे जाएगा तो ऊपर जाते जाते वो क्या जाएगा? सेम बड़ा हो जाएगा। तो उसको कहीं से भी काट दे, एंगल तो उतना ही रहेगा ना। तो वो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं रहता है। मतलब कोण और घनकोण जो होते हैं वो भी एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं, इसको हम मेजर भी करते हैं। अरे बस समझना। तो बाद में साइंटिस्ट ने कहा ये तो छूट गया है, बाय मिस्टेक हमसे ये छूट गया है, चलो इसके लिए हम एक और फिजिकल क्वांटिटीज बना देते हैं। तो उन्होंने इनको नाम दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल
क्वांटिटीज, पूरक भौतिक राशि। तो इसमें एक चीज और इंक्लूड हो गया, पूरक भौतिक राशि, ठीक है ना। तो पूरक भौतिक राशि में क्या आते हैं, कोण और घन कोण आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर भौतिक राशियों को हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो इसको तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। क्लियर है, ठीक। अगर हम इसके मात्रकों की बात करें, फिर लिखाऊंगा भी पूरा सर एक साथ, ठीक है ना। अगर इसकी मात्रकों की बात करें, ठीक, तो जो मूल भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे उसको हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहेंगे, मूल मात्रक। इसके मात्रक जो होंगे इसको कहेंगे हम मूल मात्रक। तो जो सात भौतिक राशियां हैं इनके जो मात्रक है, जैसे लंबाई को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, द्रव्यमान को मेजर करते हैं किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। ताप को अगर मेजर करते हैं केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, ऐसा ही यूनिट की बात कर रहे हैं। इसको किसमें मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। समय को मेजर करते हैं सेकंड में, इसमें मेजर करेंगे सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा को हम मेजर करेंगे तो किसमें मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक। ज्योति तीव्रता को अगर मेजर करेंगे तो इसको मेजर करेंगे कैंडेला में, ठीक ना। और पदार्थ की मात्रा इसको मेजर करते हैं हम किसमें, मोल, ठीक ना। चूंकि हमारे पास सात मूल भौतिक राशियां हैं, इसलिए हमारे पास सात मूल मात्रक भी है, ठीक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो व्युत्पन्न, जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके जो यूनिट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है। और पूरक भौतिक राशियां जो है, इन पूरक भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम पूरक मात्रक कहेंगे, ठीक ना। जैसे कोण, कोण को किसमें मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। इसको किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। डिग्री, डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। और घनकोण को मेजर करते हैं स्टे रेडियन में। क्लियर है, ठीक ना। तो ये हमारे भौतिक राशियां हैं। इसके बाद आएगा विमा, लिखो इसमें भौतिक राशियों में लिखो।